हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की स्टडी बायोलॉजी। बायोलॉजी जो टर्म है वो दी थी लेमार्क और ट्रेवर्सन। लेमार्क एंड ट्रेवर्सनेस 1802 में, 1802 में बायोलॉजी टर्म दी थी इन्होंने। अब बायोलॉजी के अंदर हम कुछ साइंटिस्ट पढ़ते हैं जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूशन रखा अपना अपना अलग अलग। जैसे पहला है सुश्रुता। कौन? सुश्रुता। इनको बोला जाता है फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी। जब बायोलॉजी की स्टार्टिंग भी नहीं हुई थी, अपने को पता भी नहीं था बायोलॉजी क्या है, उस टाइम इन्होंने सर्जरी भी कर दी थी। और वो की थी सबसे पहले राइनोप्लास्टी। कौन सी? राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी यानी सर्जरी ऑफ नोज, नाक की सर्जरी। नाक को ट्रांसप्लांट किया था, राइनोप्लास्टी। और वो स्पेशलाइज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम आई की स्टडी करते हैं, आंख की स्टडी, यानी स्टडी ऑफ आई। तो इन्होंने किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉर्निया इन कैटरेक्ट, मोतियाबिंद के अंदर, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ऑप्थेल्मोलॉजी या ऑप्थेल्मोप्लास्टी बोल सकते हैं इसको, सुश्रुता। उसके बाद है चरक। चरक, तो चरक संहिता सुनी होगी। ये थे फर्स्ट फिजिशियन। कौन थे? वर्ल्ड के फर्स्ट फिजिशियन। फर्स्ट फिजिशियन जिसने किसका कंसेप्ट दिया? गिव द कंसेप्ट ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी। इनके कंसेप्ट यानी इनके बारे में बताया अपने को, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी अपनी रोगों से लड़ने की शक्ति। उसके बाद है एरिस्टोटल। क्या है? एरिस्टोटल, ये है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जो जनक है, फादर हैं, वो कौन है? एरिस्टोटल है। अरस्तु भी बोला जाता है इनको, अरस्तु। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया? इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा, नहीं, स्केला नेचुरा। क्या लिखी थी? स्केला नेचुरा। स्केला मतलब होती है सीरीज। क्या होती है? सीरीज यानी हायरार्की, एक श्रृंखला। और नेचुरा मतलब नेचर, नेचर के जो ऑर्गेनिज्म है यानी उनमें क्या क्या चेंजेस आए थे, तो उन चेंज की एक सीरीज उस बुक में बताया था। कौन सी बुक थी? स्केला नेचुरा, एरिस्टोटल। उन्होंने अलग अलग फील्ड में वैसे कई बुक लिखी थी, पर जो बुक लिखी थी उनमें 90% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था? साइंस वाली बुक का था। वैसे हिस्ट्री भी लिखी है। उसके बाद है एंड्रियस वेजालियस। एंड्रियस वेजालियस, इनको बोला जाता फादर ऑफ एनाटॉमी। फादर ऑफ एनाटॉमी। अब एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी,
एनाटॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जैसे अपनी बनावट कैसी है, टिश्यू कैसे अपने, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो है एनाटॉमी में, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्टडी करते हैं, उसको एनाटॉमी बोलते हैं, और एनाटॉमी के फादर हैं एंड्रियस वेजालियस। अच्छा, उसके बाद साइंटिस्ट है विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे, यह फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या है? एंजियोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, हार्ट की, ब्लड सर्कुलेशन की, अपनी वेन्स है, आर्टरी है, यानी ब्लड कैपिलरीज हैं, उनकी स्टडी करते हैं। किस किस की स्टडी? स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं जिसमें, उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। उसके बाद है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक, सुना होगा नाम। सिक्स क्लास में अपने एक चैप्टर आता है साइंस का, सेल, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है बायो का, सेल, कोशिका क्या है। तो वो कोशिका सबसे पहले खोजी किसने थी? रॉबर्ट हुक ने खोजी थी। कब? 1665 में, 1665 में। क्या खोजी थी उन्होंने? सेल खोजी थी, डिस्कवरर ऑफ सेल। सेल के डिस्कवरर कौन है? रॉबर्ट हुक है। पर वो सेल कैसी थी? वो थी डेड सेल। कैसी थी? डेड सेल, प्लांट सेल थी वो, ओनियन पील के अंदर खोजी थी, प्याज की झिल्ली में, ओनियन पील। उसके बाद साइंटिस्ट है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। कौन है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। अब इन्हीं के 5 साल बाद, लगभग 1670 में, इन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कर दिया, माइक्रोस्कोप तैयार कर दिया खुद का, सिंपल माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर है ये, इन्वेंटर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप पूछ लिया जाए तो कब इन्वेंट हुआ था? 1670 में होता है। किसके द्वारा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा। अब वो थे कपड़ों के व्यापारी, उनको फैब्रिक्स देखने थे, कपड़ों के रेशे देखने थे, और देख ली क्या? सेल देख ली, फर्स्ट लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा हुई? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट है, वही पढ़ेंगे हम, जैसे कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, उनको क्लासिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर एक नाम भी दिया जाता है, नोमेनक्लेचर भी किया जाता है। तो क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इन विच आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ
ऑर्गेनिज्म यानी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, पहले उसको पता लगाया जाता है कि उसमें किस टाइप के करेक्टर हैं, फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है, यानी उन्हीं सिमिलर करेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म में उनको रख दिया जाता है, वो क्लास तैयार कर दी जाती है उनकी, और उसके बाद उनको नाम दे दिया जाता है, नोमेनक्लेचर। तो वो है टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे, और उस टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, कैरोलस लिनियस। इसके बाद है जीन, बैप्टिस्ट लेमार्क, कौन लेमार्क, जिन्होंने क्या दी थी, ट्रम दी थी बायोलॉजी की 1802 के अंदर, ट्रम कोइंड, कौन सी ट्रम, बायोलॉजी। और एक इन्होंने थ्योरी दी थी यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज, जिसको हम बोल सकते हैं एक्वायर्ड करेक्टर थ्योरी, एक्वायर्ड करेक्टर थ्योरी। इवोल्यूशन की थ्योरी है ये, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज करेगा वो डेवलप होता जाएगा, और जिस ऑर्गन का यूज़ नहीं करेगा वो धीरे धीरे लॉस होता जाएगा नेक्स्ट जनरेशन्स में। उसके बाद है डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने कंसेप्ट दिया था नेचुरल सेलेक्शन का, किसका, नेचुरल सेलेक्शन। ये भी इवोल्यूशन का ही कंसेप्ट है एक, कि कोई भी दो स्पीशीज है या दो से ज़्यादा स्पीशीज है वो आपस में कंपटीशन करती है, तो जो सुपीरियर है उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, जो कमज़ोर है उनको एक्सक्लूड कर देगा, यानी नेचर सेलेक्ट करता है स्पीशीज को। तो वो कंसेप्ट किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। एक और कंसेप्ट दिया था थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, क्या दिया था, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। पेंजेनेसिस यानी इसको जेम्यूल नाम भी बोला गया, जेम्यूल, जैसे अपने अंदर गैमेट्स होते हैं स्पर्म ओवम, तो वैसे ही इन्होंने यूँ बोला था कि अपनी जो पूरी बॉडी है कोई भी ऑर्गेनिज्म की, उसकी हर एक सेल से क्या तैयार होते हैं, पेंजीन्स तैयार होते हैं, पेंजीन्स यानी जेम्यूल्स तैयार होते हैं, और वहीं रिप्रोडक्शन में आगे काम आते हैं, यानी उनके अंदर जो करेक्टर हैं पेरेंट्स के करेक्टर, वही आगे एक्वायर करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये बात उन्होंने बोली थी। तो वो थी थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। इसके बाद है लुईस पाश्चर, कौन है, लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर, इनकी थी जर्म थ्योरी, क्या थी, जर्म थ्योरी। अब इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी की थी, कि कोई भी बैक्टीरिया है वो डिजीज़ कैसे कोज करता है, ठीक है, सिम्टम क्या क्या हैं वगैरह वगैरह, तो वो जर्म थ्योरी में आते हैं सभी। इसके बाद है ग्रेगर जॉन मेंडल, कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको बोला जाता है रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर हैं। जेनेटिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि अपने करेक्टर हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे इनहेरिट होते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर वो किए जाते हैं जेनेटिक्स में। तो उनके फादर किसको माना गया है, मेंडल को माना गया, ठीक है। तभी आगे पढ़ेंगे हम, ये कंट्रीब्यूशन तो पढ़ लिया अलग अलग साइंटिस्ट का, कि बायोलॉजी के फील्ड में इन साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, आगे पढ़ते हैं हम, कि बायोलॉजी को बोला गया है एक्सेप्शनल साइंस, क्या बोला गया है, साइंस ऑफ एक्सेप्शन, कि बायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, और वो किस कारण है, वो हैं बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है उसके कारण अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग करेक्टर आते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, एक्सेप्शन पैदा हो जाते हैं। तो साइंस ऑफ एक्सेप्शन क्या है, बायोलॉजी, बायोलॉजी, इसका एक और नाम क्या है, साइंस ऑफ एक्सेप्शन। जैसे आपने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े होंगे, कि सभी मैमल्स की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, पर कैमल और लामा में होता है, तो वो क्या एक एक्सेप्शन है। ऐसे ही क्या है,
ऐसे ही क्या अपने पास जैसे रूट्स हैं, रूट क्या है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है कि वो धरती की तरफ जाती है सभी पौधों में, पर जो राइजोफोरा प्लांट है, राइजोफोरा प्लांट वो पाया जाता है वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस में, राइजोफोरा, तो उसकी रूट्स क्या है ऊपर की ओर आती है, वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, वो भी एक एक्सेप्शन है। और क्या है जैसे कि सारे प्लांट के वायरस है जो वायरस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है डीएनए होता है, पर जो टोबैको मोजाइक वायरस है टीएमवी उसमें क्या होता है आरएनए होता है। कैस्कटा अमरबेल, अमरबेल सुनी होगी, अमरबेल क्या है एक टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट यानी एक ऐसा पौधा जो दूसरे पौधों के स्टेम के ऊपर रहता है यानी पैरासाइट की तरह रहता है, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करता, सारा न्यूट्रिशन किससे लेता है होस्ट प्लांट से लेता है, तो उसको डाइकोट माना गया है पर उसमें एक भी कोटलीडन नहीं है, विदाउट कोटलीडन वो क्या है डाइकोट है, तो वो भी एक्सेप्शन है। वो क्यों एक्सेप्शन है, वो उसकी लाइफ साइकिल के हिसाब से एक्सेप्शन है, उसको उसकी लाइफ साइकिल के हिसाब से डाइकोट माना गया है पर उसमें कोटलीडन कुछ भी नहीं है। ऐसे ही क्या अपने पास कुछ पक्षी हैं जो उड़ते नहीं हैं, बाकी सारे पक्षी तो उड़ते हैं जैसे ईमू है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ठीक है, वो पक्षी फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है। और अपने पास जैसे एक एक्सेप्शन और ले लेते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं उनमें क्या है हर्ट होता है थ्री चैम्बर्ड, पर जो एलिगेटर क्रोकोडाइल मगरमच्छ और घड़ियाल उनमें क्या है फोर चैम्बर डर्ट होता है, तो एक्सेप्शन है। ऐसे ही एक्सेप्शन आपको हर कंसेप्ट में मिल जाएंगे बायोलॉजी के, इसलिए बायोलॉजी को क्या बोला गया है एक्सेप्शनल साइंस या साइंस ऑफ एक्सेप्शन। अच्छा अब पढ़ते हैं बायोलॉजी की कुछ ब्रांच, अलग अलग ब्रांच पढ़ते हैं बायोलॉजी की, जैसे एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है टैक्सोनॉमी, क्या है टैक्सोनॉमी, अभी पढ़ी थी हमने, टैक्सोनॉमी के फादर भी बताए थे मैंने, कौन है कैरोलस लिनियस। अच्छा इसको एक और नाम भी बोला गया है सिस्टमेटिक्स, क्या बोला गया है सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स बोलो या फिर टैक्सोनॉमी बोलो, ठीक। मॉर्फोलॉजी क्या है मॉर्फोलॉजी, ये तीन तो मेन है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, पहले इन तीनों के बारे में जिक्र करते हैं कि इनमें फ़र्क क्या क्या है। तो जो मॉर्फोलॉजी है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल करैक्टर की स्टडी की जाती है, केवल एक्सटर्नल करैक्टर लेंगे कि उसका रूप रंग कैसा है, उसका साइज कैसा है, वो सारा किस में आ जाएगा मॉर्फोलॉजी में। तो मॉर्फोलॉजी क्या है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपियरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी लिख लेते हैं, क्या है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपियरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अच्छा ऐसे ही है एनाटॉमी, एनाटॉमी मैंने जिक्र भी किया था, फादर भी बताए थे एनाटॉमी के, एनाटॉमी क्या है बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल तो क्या है मॉर्फोलॉजी, इंटरनल क्या है एनाटॉमी, क्या है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल करैक्टर्स, इंटरनल करैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि कोई ऑर्गेनिज्म की इंटरनल करैक्टर की स्टडी करना वो एनाटॉमी। अब है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं उनके जो प्रोसेस हैं जैसे लाइफ प्रोसेसेस हैं अलग अलग टाइप की, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन,
ठीक है, या फिर नर्वस कंट्रोल हो गया अपनी बॉडी का, एंडोक्राइन कंट्रोल हो गया, ऐसी कोई भी प्रोसेस उनकी फंक्शनिंग जिस ब्रांच में पढ़ते हैं बायोलॉजी की उसको क्या बोलते हैं हम, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और ब्रांच है जैसे फाइलोजेनी है, जेनेटिक्स है, क्या है फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी स्पीशीज है, वो किससे इवोल्व हुई है, उसका इवोल्यूशन किस टाइप से हुआ है, उनका इवोल्यूशन रिलेशनशिप देखते हैं जिस ब्रांच में, उसको क्या बोलते हैं हम फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का आगे लिख देता हूँ मैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, जेनेटिक्स जेनेटिक्स क्या है, वो ब्रांच जिसके अंदर जीन के इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है, करेक्टर का इनहेरिटेंस, यानी स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करेक्टर कैसे जाते हैं। फिर है हिस्टोलॉजी, हिस्टो, हिस्टो मतलब टिश्यू और लॉजी मतलब स्टडी, तो हिस्टोलॉजी क्या है, टिश्यू की स्टडी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज, या उनका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू उनकी स्टडी जिसमें की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, हिस्टोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में क्या होता है, डिजीज की स्टडी, स्टडी ऑफ डिजीज, रोगों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिजीज। ऐसे ही है पीडोलॉजी, सोयल की स्टडी, स्टडी ऑफ सोयल। पैलियोन्टोलॉजी, पैलियोन्टोलॉजी, पैलियोन्टोलॉजी मतलब पैलियोन्टो नाम लिया गया फॉसिल से, कि जो फॉसिल्स है जैसे अब डायनासोर हैं, ठीक है, उनके फॉसिल मिलते हैं जीवाश्म, तो उसकी स्टडी करना वो क्या है, पैलियोन्टोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, वो क्या है, एंटोमोलॉजी। उसके बाद जैसे कुछ और है, डर्मेटोलॉजी क्या है, डर्मेटोलॉजी, ड्रम, ड्रम मतलब क्या होता है, स्किन, तो स्किन की स्टडी डर्मेटोलॉजी में, स्टडी ऑफ स्किन। और क्या है, डेमोग्राफी, क्या है, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी होती है कि पॉपुलेशन की स्टडी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, उसके बाद है क्रैनियोलॉजी, क्या है, क्रैनियोलॉजी, क्रैनियो मतलब खोपड़ी, स्कल की स्टडी, स्टडी ऑफ स्कल। कोंड्रोलॉजी क्या है, कोंड्रोलॉजी,
कॉन्ट्रोवर्ड लिया गया है कार्टिलेज से, किससे? कार्टिलेज से, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, ऐसे ही बोन्स की स्टडी ऑस्टियोलॉजी, क्या होती है? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, स्टडी ऑफ बोन्स। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो मतलब ओडोंटोलॉजी, टीथ की स्टडी, स्टडी ऑफ टीथ, दांतों की ओडोंटोलॉजी, ठीक है। एल्गोलॉजी, या फिर इसको बोल सकते हैं फाइकोलॉजी, क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी, स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। एक होता है माइकोलॉजी, क्या होता है? माइकोलॉजी, माइको मतलब फंजाई, फंगस की स्टडी, स्टडी ऑफ फंगस या फंजाई। सार्कोलॉजी क्या है? सार्कोलॉजी या मायोलॉजी, मायोलॉजी बोल सकते हैं, सार्कोलॉजी भी बोल सकते हैं। मसल की स्टडी करना, स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स, कि अपनी बॉडी में जितनी मसल है, कितनी मसल है? 639, कितनी टोटल? 639 मसल है ह्यूमन के अंदर, उनकी स्टडी। चाहे कुछ और ब्रांच भी है, जैसे वायरोलॉजी, राइनोलॉजी, क्या है? वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी, स्टडी ऑफ वायरस। और क्या है? एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एपिडेमिक डिजीज, स्टडी ऑफ एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज महामारी, महामारी के तौर पे जो रोग फैलते हैं उनकी स्टडी करना, वो क्या है? एपिडेमियोलॉजी। जैसे पहले हिज्जा, चेचक, ठीक है, COVID-19, अभी कोरोना वायरस, वो भी क्या है? एपिडेमिक डिजीज है। तो उनकी स्टडी करना वो क्या है? एपिडेमियोलॉजी है। मलेरियोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, क्या है? मलेरियोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी। अच्छा, मलेरियोलॉजी क्या है? मलेरिया की स्टडी। लाइकेनोलॉजी, लाइकेंस की स्टडी। ऐसी क्या है? सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ स्नेक, स्टडी ऑफ स्नेक, स्नेक की स्टडी, सांपों की। तो ये कुछ ब्रांच थी अपनी बायोलॉजी की, ठीक है, याद हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ टर्म पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? कुछ टर्म जो आगे काम आएगी बायो के अंदर, कि बायो को पढ़ना है, समझना है बायो को, तो पहले वो टर्म आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, वो टर्म पढ़ेंगे हम पहले, कि कुछ वर्ड हैं जिनके मीनिंग, जैसे हम सार्को पढ़ते हैं, सार्को मतलब मसल्स, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, ऐसी कुछ टर्म पढ़ेंगे हम। एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, ठीक है, ऐसी टर्म आती है वो बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे।